करेंगे गर्मी के सितम की, तो जून की जानलेवा गर्मी से पूरा उत्तर भारत कराह रहा है। 3 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। यूपी के बलिया में बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक की वजह से 3 दिन में 54 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं पटना की बात करें तो पिछले 24 घंटे में गर्मी से बीमार 35 लोगों की जान गई है यहां पर। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों में मौतों की तादाद बेहद कम दिखाई गई है, बताई गई है। बिहार सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में लू से राज्य में 11 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सिर्फ नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही पिछले 3 दिनों में 24 लोग दम तोड़ चुके हैं। जून के महीने में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, आसमान से आग बरस रही है और लोग झुलस रहे हैं। स्थिति यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 11 लोगों की मौत लू से हो गई है, जबकि बिहार के सबसे बड़े दो अस्पतालों NMCH और PMCH के आंकड़ों को देखें तो पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की जानें चली गई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जो मरीज आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की शिकायत सर दर्द और लो ब्लड प्रेशर का होता है और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो रही है। ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि हालात सही में भयावह हो चुके हैं, क्योंकि लगातार लू चल रहे हैं, हीट वेव चल रहे हैं और स्थिति यह है कि बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। मानसून तो बिहार में 3 दिन पहले प्रवेश कर गया था, लेकिन बारिश नदारद है। स्थिति देखिए पटना के बेली रोड पे है, जो सबसे व्यस्त रहने वाली सड़क है, लेकिन गर्मी के वजह से यह सुनसान है। सुबह 8 बजते पारा चल जाता है 42 के ऊपर और आज भी 42 सबसे ज़्यादा गर्म दिन जो है, अभी भी पारा यहाँ 45 डिग्री के ऊपर है। ऐसे में आम लोग परेशान हैं, बिजली की खपत बढ़ गई है और स्थिति यह है कि बार बार जो फीडर होते हैं वो ट्रिप कर जा रहे हैं। बिजली की आँख में चली भी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है काफ़ी लोड पड़ रहा है और इसके चलते बिजली की भी किल्लत हो रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि बिजली की किल्लत नहीं होने दी जा रही है, लेकिन मांग जिस कदर बढ़ रही है उसमें जो फीडर हैं वो काम करना बंद कर दे रहे हैं, बार बार वो ट्रिप होते जा रहे हैं। मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी 24 जून तक इस गर्मी से निजात पाने की कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद मानसून की जब बारिश शुरू होगी उसके बाद गर्मी से निजात मिलेगी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।